की बजट को लेकर जेएमटी न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने की महिलाओं से बातचीत। जाएगा लेकिन गृहणियों से जान लेते हैं कि इस बार आने रखता है। अगर और सब चीजें बहुत अच्छी हैं तो थोड़ा बहुत अगर महंगाई भी है तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा हम लोगों को। आप क्या मानती हैं कैसा होना चाहिए बजट में, क्या क्या जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, कैसा बजट आना चाहिए? भैया कुछ लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं उनको थोड़ी दिक्कत है, सिलेंडर वगैरह थोड़ा कम हो जाना चाहिए, तब भी सिलेंडर कम होना चाहिए, थोड़ी महंगाई ज़्यादा है उस पर थोड़ा कंट्रोल करा जाए और क्या। आप क्या कहना चाहेंगी क्योंकि जिस तरीके से रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट लाया जाता, तो आपको क्या लगता है? एक आम आदमी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाए बस। आप भी घर संभालती, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए वही हम बोल रहे हैं ना कि एक हम लोग चलो फिर भी कर पाते हैं, अपना मैनेज हो जाता है, पर जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल है, उनको मिलना चाहिए। जो मध्यम वर्ग है वो परेशान रहता है। हाँ मिडिल क्लास के लिए तो है थोड़ी उनको दिक्कत है, उनके लिए थोड़ा सब चीज़ होनी चाहिए, टैक्स में थोड़ी वो दें, रिलीफ दें, वो बहुत ज़्यादा है। किसान और व्यापार दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और दोनों को क्या किस नज़र से देखती, कैसा होना चाहिए? भाई व्यापार के लिए तो अच्छा हो ही रहा है और किसान के लिए भी कुछ ना कुछ छूट तो मिलती है, पर सबसे बड़ी छूट तो टैक्स में रिबेट होना चाहिए हम लोगों के हिसाब से भी। मिडिल क्लास को तो वही लगता है, सर्विस क्लास वालों को तो। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई मिडिल क्लास के लिए जो कुछ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वैसे तो सब सही चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो गृहणियां हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं है और वो चाहती हैं कि रसोई के साथ साथ जो देश की विकास है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लोग स्टडी पूरी कर ली हैं वो उनको नौकरी लागू कर दें वो लोग। देखिए काफ़ी उम्मीदें हैं, अब देखना ये होगा कि जो बजट आ रहा है उसमें क्या कुछ होने वाला है और लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ सारिका गुप्ता, जेएमडी न्यूज़।